स्नेल्स लॉ, जो कि शीट नंबर 5 है आपकी बुकलेट में, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपके पास अगर रे ऑफ लाइट है और वह एंटर करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू है। कैसे लगेगा स्नेल्स लॉ, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये ना, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन है, म्यू टू टू ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिंबल, और ये वन है तो वन ऊपर आएगा, इसको बोला जाता है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको ऐसे रीड करना है, तो ऐसे नहीं करना म्यू वन टू, टू म्यू वन, टू विद रिस्पेक्ट टू वन। नेक्स्ट है आपके पास सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वाटर से ग्लास में लाइट आ रही है तो म्यू वाटर इंटू साइन आई म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर, तो ये टर्म आ गई आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू आ गई, ग्लास ऊपर चल रहा है ग्लास नीचे आ गया, वाटर नीचे चल रहा है वाटर ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है ये, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है 2/5, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पता है, आपको वाटर का निकालना है, आप इसे ब्रेक करें तो ग्लास म्यू वाटर को क्या लिखेंगे, वाटर ऊपर है वाटर नीचे आ गया, ग्लास नीचे है ग्लास ऊपर आ गया। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2/5 गिवन है, ये वैल्यू आपको 3/2 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे लगता है स्नेल्स लॉ क्लियर है, स्नेल्स लॉ के अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट है, इसको एक बार देखते हैं।